अगर आप एफ आई एटीन से लेके अब तक चेक करेंगे तो यूल सी डैट नियरली द प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बिकम थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में अगर आप सिमिलर चीज़ का अनालिसिस करते हैं तो देन यू विल फाइंड दट पी एस यू बैंक्स के केस में एफ आई सिक्सटीन टू एफ आई ट्वेंटी क्यूमुलेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर मेकिंग लॉसेज माने पब्लिक सेक्टर बैंक्स घाटे के अंदर थे दो हज़ार सोलह से टू एफ आई सिक्सटीन से एफ आई ट्वेंटी के बीच में एंड उसके बाद एक टर्न अराउंड आया जहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नियरली फोर टाइम्स हो गई है फ्रॉम एफ आई ट्वेंटी वन टिल एफ आई ट्वेंटी फोर इट्स वन ऑफ द की रीजन फॉर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्सेज पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बीन जैट की पब्लिक सेक्टर सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीनरअप हो गई क्योंकि कंट्री की बैलेंस शीट बैलेंसट अप हो गई बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक स्टिल टूडे मेकअप फॉर नियरली फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द इंटायर आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्री की लोन बुक मैंने आधी इंडस्ट्री की बैलेंस शीट क्लियर होगी तो मैंने कंट्री की बैलेंस शीट क्लियर होगी सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स एंड उसकी वजह से डेल्टा बहुत था परफॉर्मेंस में दूसरा रीजन जो आपको समझना है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है आपको समझना है कि आर ओ ए ट्री क्या होता है बैंक्स के अंदर तो आर ओ ए ट्री क्या होता है देखिए जब भी आप किसी कंपनी की बात करते हैं तो कोई कंपनी सेल करती है राइट right? सेल के बाद कंपनी क्या करती है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है माने कॉस्ट ऑफ मटीरियल हटाएंगे तो अब कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर आप दूसरे खर्चे हटाएंगे राइट right? जैसे अगर कंपनी कोई मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर कर रही है कंपनी इंप्लाइज पे एक्सपेंडिचर कर रही है कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर कर रही है तो अब ईबिटा पे आते हैं ईबिटा में से विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को हटाते हैं राइट right? एंड उसके साथ साथ जब आप अमोर्टाइजेशन को हटाते हैं जब सब करते हैं तो आप ईबिट बिट पे आ जाते हैं विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फिर आप उसमें से जब इंटरेस्ट कॉस्ट को हटाएंगे तो फिर आप पी पे आ जाते हैं विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर पी में से जब टैक्सेज माइनस करेंगे तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं सिमिलरली बैंक्स के केस में आप क्या करते हैं तो बैंक्स के केस में आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से विच इज़ नोन एज द इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ बैंक राइट तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ बैंक क्या होती है कि बैंक जो टोटल इंटरेस्ट अर्न करता है माइनस द इंटरेस्ट इट एक्सपेंड्स तो उसके बाद आप एक इंटरेस्ट इनकम पे आते हैं इंटरेस्ट इनकम में से आप और क्या ऐड करते हैं जो अदर इनकम होती है मानी कोई कम, अगर बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू करा तो उस पर बैंक फी इनकम कमाता है अगर बैंक लोन दे रहा है तो लोन पे वो लाइक प्रोसेसिंग फी कमाता है तो आप इनकम को जब आप इंटरेस्ट इनकम से ऐड करते हैं तो आप टोटल इनकम ऑफ अ बैंक पे आ जाते हैं फिर टोटल इनकम ऑफ अ बैंक पे क्या होता है राइट right? की ओपेक्स आता है राइट right? तो टोटल इनकम ऑफ अ बैंक में से आप क्या माइनस करते हैं ओपेक्स तो ओपेक्स को जब आप हाँ माइनस करते हैं ओपेक्स क्या होता है बैंक केस में ब्रांच uh, का रेंट देना है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है स्टाफ का कॉस्ट है आई का कॉस्ट है राइट एन नंबर ऑफ कॉस्ट है तो जब आप उस कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप आते हैं एक एक चीज़ पे जिसको हम कहते हैं पीपॉप। डेट इज़ प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पीपॉप समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक्स के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वेल टू पीप ऑफ लाइक इज इक्वल टू पीप ऑफ बैंक्स तो अगर कोई आपसे पूछे बैंक्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है तो आपको बताने है, बैंक्स का जो पीपअप होता है दैट इज़ प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको हम कहते हैं वो बैंक्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोविजन्स तो प्रोविजन्स को आपको समझना ज़रूरी है कि बैंक के केस में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं तो जी में से जब आप प्रोविजन्स को माइनस करते हैं तब आप एन पे आते हैं तो जी एन पी एक बैंक्स के जो होते हैं डेट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो अगेन उसके अंदर बकेट्स बनती है एक वन टू थर्टी डे की बकेट होएगी एक थर्टी टू सिक्सटी डे की बकेट होएगी एक सिक्सटी वन टू नाइन्टी डेज़ की बकेट होएगी और नाइन्टी डेज़ के बाद अगेन बैंक्स उस लोन को सब स्टैंडर्ड या फिर ख़राब लोन मानने लग जाते हैं कि उस उस लोन की स्लिपेज हो चुकी है तो इन बकेट्स के अगेंस्ट बैंक्स प्रोविजन क्रिएट करते हैं अपनी बैलेंस शीट को बचाने के लिए बिकॉज बैंक्स बिजनेस ही अपनी लाइक बैंक्स कैनॉट ग्रो विदाउट हैविंग अ सॉलिड इक्विटी बेस और इक्विटी कैपिटल ऑन द बैलेंस शीट राइट right? तो इस वजह से बैंक्स हमेशा खराब लोन्स के अगेंस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम स्टेटमेंट सेट असाइड कर देते हैं जिसको हम प्रोविजंस कहते हैं राइट right? तो आपको यह चीज समझनी जरूरी है एंड प्रोविजंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पीबीटी पे आएंगे पीबीटी में से टैक्सेस हटाएंगे तो आप पैट पे आएंगे पैट को टिपिकली बैंक रिटर्न ऑन एसेट्स से देखते हैं क्योंकि पैट अपॉन टोटल एसेट्स करेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा और आर एंड टू फाइनेंशियल एवरेज करेंगे तो बैंक्स की रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी तो यहां पे क्या समझना जो जरूरी है और मैंने आपको ये क्यों समझाया आर ओ ए ट्री क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो अर्निंग्स पर शेयर या फिर अर्निंग्स या पैट या आर में इंप्रूवमेंट है या आर में इंप्रूवमेंट है बल्क ऑफ इट इज लेड बाय वॉट बल्क ऑफ इट इज लेड बाय लोअर प्रोविजन्स क्योंकि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर आप यहां पे ये डेटा पॉइंट देखते हैं तो आपको वंस एंड फॉर ऑल समझ आएगा कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में क्यू टू एफ आई ट्वेंटी वन के अंदर जो जी एन पी है वो नाइन परसेंट था माने जो खराब लोन्स है वो नाइन परसेंट थे जो आज गिर के क्यू फोर एफ आई ट्वेंटी फोर में डैट नंबर वन टू थ्री पॉइंट फोर परसेंट एन पी ए इन बैंक्स का टू पॉइंट सेवन परसेंटेज से गिर के जीरो पॉइंट सेवन परसेंटेज हो गया प्रोविज़न कवरेज रेशियो कुछ भी नहीं होती कि आपने जी के अगेंस्ट कितना प्रोविज़न खड़ा करा उसको हम प्रोविज़न कवरेज रेशियो कहते हैं तो अगर हम जी माइनस प्रोविज़न करें तो हमारे पास एन एन आ जाता है तो प्रोविज़न कवरेज रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 71.6 परसेंटेज से 79 परसेंटेज आ गई तो इसी को हम कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट जब भी हम प्रोविजन को एवरेज एसिड से डिवाइड करते तो हैं तो हमारे पास बैंक का क्रेडिट कॉस्ट आ जाता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में जो ख़राब लोन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजन साइड करे वो टू से गिर के ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट सिक्स परसेंटेज आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में अगर आप सेम डेटा देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के से केस में जी इतने हाई थे ही नहीं ऑलरेडी फोर के जी थे जो आज ऑलमोस्ट गिर के अगर आप चेक करते हैं तो फोर से वन आए हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वन का पॉइंट फोर परसेंटेज आया है और इस टाइम पे जो पीसीआर रेशियो है इनकी भी 75 परसेंटेज चल रही है और एवरेज क्रेडिट कॉस्ट 0.5 परसेंट के आसपास का चल रहा है बट व्हाई इज इस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ डैट कि ये जो लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर ये जो इंडस्ट्री के लोन अब इम्प्रूव हो रहे हैं तो आज इंडिया ऑलमोस्ट हिस्टोरिक बेस्ट एसेट क्वालिटी पे आ गई है तो यहाँ से देर इज़ नो मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ अच्छी आई है पीप ऑप ग्रोथ भी अच्छी है पर प्राइवेट सेक्टर बैंकस की जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है डेट इज स्टिल बीटन पब्लिक सेक्टर बैंक ओवर द लास्ट थ्री ईयर्स तो यहाँ पर मैं आपको डेटा दिखाता हूँ विच विल मेक यू मेक यू अंडरस्टैंड तो पी एस यू बैंक के केस में अगर आप पीप ऑप देखते हैं तो वो फोर्थ लाइक uh, like, uh, तो वो कुछ फोर थर्टी सेवन बिलियन रुपीज़ के आसपास का था जो पीप ऑप आज ऑलमोस्ट सिक्स सेवेंटी नाइन बिलियन रुपीज़ का हुआ है ओवर द लास्ट थ्री थ्री ईयर्स एंड लाइक ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स के क्वार्टर्स में राइट तो दिस विल गिव यू एन आइडिया वेर एज सेम अगर आप पीप ऑप ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में देखते हैं तो थ्री थ्री नाइन्टी सेवन बिलियन रुपीज़ से आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो पीप ऑप है ऑलमोस्ट सिक्स ट्वेंटी फोर बिलियन रुपीज़ के आसपास हुआ है राइट तो नियरली एब्सोल्यूट टर्म्स में एट्टी टू एटी फाइव परसेंट की ग्रोथ है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स केस में अगर हम देखते हैं तो डेट इज़ नियरली फिफ्टी परसेंटेज ऑड की ग्रोथ तो माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अभी भी बीट करें अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें बट क्योंकि पी बैंक्स के क्रेडिट कॉस्ट घट रहे थे इन कंट्री के लोन अच्छे हो गए कंट्री की इकोनमी अच्छी होगी कंट्री की बैलेंस शीट अच्छी होगी तो खराब लोन्स का भी राइट right बैक आ गया और क्रेडिट कॉस्ट घट गया इस चक्कर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो अर्निंग्स पर शेयर थी वो एकदम एक्सप्लोड कर गई और लास्ट थ्री फोर इयर्स के अंदर फोर टाइम्स उनका नेट प्रॉफिट हो गया बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर फ्रॉम एयर इज दैट की वेदर दिस क्रेडिट कॉस्ट लो साइकिल विल कंटिन्यू और नॉट अगर थोड़े भी क्रेडिट कॉस्ट ऊपर होने लग जाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे कि इन कंपनीज के जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में क्या वो इतनी तेजी से ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही राइट सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अंडर परफॉर्म बिकॉज इनके क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हुए पर पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक्स का नाइन परसेंट का जीएनपी ए सब टू परसेंटेज आ गया बॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक का फोर परसेंट का जीएनपी ए वन पॉइंट सेवन आया तो क्रेडिट कॉस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा तेजी से गिरा थर्ड की रीजन क्या है कि लास्ट टू थ्री ईयर्स से जो फॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग चल रही है एंड वॉट इज हैपन इज़ डैट कि जो अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स आई थिंक निफ्टी इंडेक्स में थर्टी एट टू फोर्टी एट परसेंटेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट right? uh, तो बैंक्स हैव हैव बेसिकली टेकन द लाइक ब्रंट ऑफ सेलिंग तो अगर आप एफ आई आई होल्डिंग देखते हैं बैंक्स के अंदर तो यू अंडरस्टैंड कि एफ आई आई होल्डिंग इन बैंक्स के अंदर ऑलमोस्ट लाइक uh, like, जो एफ आई आई होल्डिंग के अंदर रिडक्शन है तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे आ, दिस सेक्टर वाज ओवर ओन बाय दी एफआईआईस तो 42 टू परसेंट एफ ओनरशिप थी क्यू टू एफ आई ट्वेंटी में जो क्यू फोर एफ आई में ट्वेंटी एट परसेंटेज के आसपास की रह गई है सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक हैफॉर्म्ड एक और रीज़न क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस का तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है इसको हम कहते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कि अगर मेरा सौ रुपये का क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है तो मेरे पास कितने के डिपॉजिट्स हैं टू तो बैक इट अप अगर मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ का डिपॉजिट है और हंड्रेड रुपीज़ का क्रेडिट मेरा आउटस्टैंडिंग है जो मैंने लोन दिया हुआ है टू बैकेट अप विद डिपॉजिट तो मेरा हंड्रेड परसेंट का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हो जाता है तो रिसेंटली इस बारी बैंक के अंदर जो खराब साइगला है वो एसिड साइड पर नहीं है वो लाइबिलिटी साइड पर है बिकॉज अगेन देर मल्टीपल एवन्यूज़ कोई स्टॉक मार्केट्स कर रहा है कोई सेविंग्स uh, अपनी रियल इस्टेट में डाल रहा है कोई कहीं कर रहा है तो वाट इज हैपन की बैंक की जो डिपॉजिट की ग्रोथ रेट्स है वही थिंक अभी वापस थर्टीन फोर्टीन परसेंट के आसपास आ गई है बट बीच में तो टेन इलेवन परसेंटेज ही रहेगी थी तो जो अच्छे बैंक्स थे उनको क्या लगता था कि यार अगर हम लोगों का डिपॉजिट हंड्रेड रुपीज़ का है तो हंड्रेड एंड फाइव रुपीज़ का भी लोन दे सकते हैं बिकॉज वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट डेट आर लोन्स विल कीप डूइंग वेल राइट तो हमें इतना लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा बट हुआ क्या कि डिपॉजिट की ग्रोथ रेट स्लो होने से क्रेडिट की ग्रोथ रेट इन बैंक्स को भी स्लो करनी पड़ रही है एंड आर ने क्या बोला कि आर ने बैंक्स को बोला कि आपको एटी टू एटी फाइव परसेंट अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो लेके आना है तो ड्यू टू दिस वट हैपन इज दैट कि अगर आप अभी एच डी एफ सी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं आई थिंक जस्ट पोस्ट मॉजर लें तो एच डी एफ सी बैंक का भी जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है आई थिंक दट वेंट समवेयर क्लोज टू अ नंबर ऑफ हंड्रेड एंड एट टू हंड्रेड एंड टेन परसेंटेज तो अब एच डी एफ सी बैंक के केस में क्या करना पड़ेगा या तो डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाइए और क्रेडिट ग्रोथ को घटाइए तो दोनों चीज़ें यही हो रही है एच डी एफ सी बैंक के केस में कि दे हैव टू इंक्रीज़ देयर डिपॉजिट ग्रोथ तो डिपॉजिट ग्रोथ को एच डी एफ सी बैंक इस टाइम पर इंक्रीज़ कर रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ को एच डी एफ सी बैंक इस टाइम पर रिड्यूस कर रहा है तो अगर आप चेक करेंगे तो हंड्रेड एंड फोर परसेंट का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अभी एच डी एफ सी बैंक का जो एट्टी टू एटी फाइव परसेंट के बीच में रहना चाहिए था एंड दिस इज है बिकॉज ऑफ मर्जर सिमिलरली अगर आप ये एक्सिस बैंक के केस में देखेंगे तो नाइन्टी परसेंट है तो यू सी कि लास्ट टू थ्री क्वार्टर से गिर रहा है तो बेसिकली एक्सिस बैंक भी क्या कर रहेगा या तो डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ा रहा रहेगा या तो क्रेडिट ग्रोथ को घटा रहा रहेगा राइट तो दिस क्रिएट्स अ डबल वैमी कि आपको ग्रोथ रेट्स भी घटाने और आपको डिपॉजिट्स भी और रेज करने और डिपॉजिट रेज तो आपको हाई कॉस्ट पे करने पड़ेंगे अब ये सेम केस एक्विटा स्मॉल फाइनेंस के केस में देखेंगे एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो क्यू थ्री एफ आई ट्वेंटी में इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वन थर्टी वन परसेंट था राइट जो इनको रिड्यूस करके अभी एटी सिक्स परसेंट करना पड़ गया बाय द एंड ऑफ क्वार्टर फोर एफ आई ट्वेंटी फोर एंड लास्ट फाइव सिक्स क्वार्टर्स में मेजर रिडक्शन आई है बिकॉज अगेन दिस इज अ दिस इज एज पर आर बी आई बिकॉज अगर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम नहीं होता तो लिक्विडिटी इशू भी हो सकता है बैंक्स पे बिकॉज सिस्टम में अभी डिपॉजिट ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं चल रही बट 80 टू 85 फाइव परसेंटेज इज़ अ नंबर जो आई थिंक आर गवर्नर ने मल्टीपल टाइम्स मैंशन करा तो लॉर्ड ऑफ दीज बैंक एडजस्टेड फॉर इट अभी एच डी एफ सी बैंक ने नहीं करा एडजस्टमेंट मे बी इट विल टेक वन और टू ईयर्स फॉर देम टू ऑल्सो एडजस्ट बट पी एस यू बैंक्स में देखेंगे तो पी एस यू बैंक्स में क्योंकि लोन्स ही इतने खराब थे एंड दे डिट लाइक क्रेडिट ग्रोथ इतने सालों से इतनी नहीं आई तो पी एस यू बैंक के अंदर अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखेंगे तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलरेडी इन द पी एस यू बैंक्स वॉज इन सेवेंटीज टू एट्टी परसेंटेज तो एक्चुअली इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिज़गाइज़ कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट स्लो हुई तो पी एस यू पी एस यू बैंक के तो ऑलरेडी उनका लाइक जो क्रेडिट टू डिपॉजिट है वो ऑलरेडी बहुत कम था इट वॉज अंडर एट्टी परसेंट राइट सो अगेन हेयर दिस वॉज एन एडवांटेज बिकॉज दे डेंट हैव टू रिड्यूस देर लोन ग्रोथ बट फिर भी अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लोन ग्रोथ रेट्स फास्टर आ रहे हैं देन हम चलते टुवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि अभी इन सेक्टर्स में लोन ग्रोथ पेज पर आ रही है एंड फाइनली हम इन बिजनेसिस की वैल्यूएशन देखेंगे टुवर्ड्स पर जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज समझनी है अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी द अभी मनी यू गेट्स कॉट इन द पीक ऑफ अ बुलरन साइकिल अगर आपको ये सीखना है कि सेक्टोरल रोटेशन कैसे होती है एंड साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कि आप अपना एक एग्जिट सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच इन वन एस ओ आई सी मेबरशिप एंड एस ओ आई सी मेम्बरशिप इज एन एजुकेशनल कोर्स जो विच स्ट्राइव टू मेक यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर बाय गिविंग यू मल्टीपल लर्निंग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस टू टेक्निकल एनालिसिस टू वैल्युएशन बेस्ड एनालिसिस एंड टू अदर थिंग्स एज वेल जहाँ पे हम आपको सेक्टोरल एनालिसिस भी कराते हैं If you want to register for the membership, the link is there in the description below. And you can use the coupon code soicbonus Bonus 10, which is valid for the next 48 hours. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.